धर्मशाला में हो रही जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक करीब 5 घंटे बाद खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में अहम रूप से होटलों पर एनजीटी की कार्रवाई पर कुछ रिलीफ दिया गया। इसके तहत होटल मालिक अब आराम से अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, साथ ही कानून तरीके से शिकायतें भी रख सकते हैं। मैटरनिटी लीव भी सरकार ने बढ़ाकर 180 दिन कर दी है, जिसके अलावा बजट सत्र पर सरकार ने तारीख तय कर दी है और ये सत्र 5 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए। शराब नीति में बदलाव, अवैध भवनों के लिए संशोधन, कर्मचारी पेंशन को 8% अंतरिम राहत जारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 14 पोस्टें भरी जाएंगी, रजिस्ट्रार की पोस्ट भी भरी जाएगी, धर्मपुर में बनेगा डिवीजन, आईपीएच टीरा में सब डिवीजन को मंजूरी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट सत्र 6 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कैबिनेट में बहुत सारी मदें लगी और इसके बारे में आपको डिटेल प्रेस नोट मिलेगा। कैबिनेट के बारे में जनरल चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं, और उसके बाद बोलेंगे आगे करके जब बोलने की बात होगी उसका डिटेल प्रेस नोट आपको आने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय उसमें इसे इतना है कि हमारा बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और बजट सत्र की हमने तारीख उसमें तय कर दी, 6 मार्च से शुरू होगा और वो बात करते हैं इस बीच में कुछ दिन के लिए रिसेस भी है और उसके साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण आज जो निर्णय लिया उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू। उड़ान योजना भी आपने कांग्रेस से शुरू करने की बात की, उड़ान योजना कहां से शुरू करने का ये नहीं, लेकिन सिद्धांत रूप से हमको उड़ान सेकंड फेज का जो है वो हमको जो है हिमाचल प्रदेश मिला है, उसके अंतर्गत जो है वो चंडीगढ़ से शिमला, चंडीगढ़ से कांगड़ा की जो कनेक्टिविटी 2500 रुपये में उसमें जो है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी डिटेल्स अभी हमको वर्कआउट कर रही है, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि जो चॉपर होगा उस चॉपर की जो लैंडिंग कहाँ, उसका हैंगर कहाँ, वो सारी मॉडल के हम वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छी बात है कि शुरुआत थोड़ा सा नहीं सबके खास जनहित के फैसले लिए गए हैं और अभी तो यह है कि जो मेरे वन विभाग से संबंधित था, जो हमारा 4 लेन का काम जो शिमला सोलन के मध्य में चल रहा है, तो वहाँ पर जो निजी भूमि पर जो बान इत्यादि के वृक्ष हैं जिनका मुआवजा भी हमने दे दिया है और जिनके कारण से वहाँ पर हमारा NHAI का काम रुका था ताकि विकास कार्य जल्दी से हो, उसको भी हमने अप्रूव करके दे दिया है और तुरंत ताकि उनका कटान हो जाए और तुरंत काम हमारा तेज गति से चल रहा है।